सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और पाइए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा इस टेस्टिंग सीरीज की, वो थी मोसफेट के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था रेजिस्टेंट डायोड, कैपेसिटर, काफी कुछ मैंने उसमें बता दिया था। एक जो हमारा कंपोनेंट बचता है वो है मोसफेट, जो कि पीसीबी में यूज किया जाता है। तो और एक बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है हमारी टेस्टिंग सीरीज की लास्ट वीडियो है। अब तक हमने जितनी भी हमने टेस्टिंग की वो सब हमने की मल्टीमीटर की हेल्प से। बट अब जो वीडियो मतलब टेस्टिंग सीरीज जो भी स्टार्ट होगी वो एडवांस लेवल की टेस्टिंग स्टार्ट होगी और उसमें हम टेस्टिंग करेंगे सीआरओ की हेल्प। सीआरओ आप जानते होंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि मोसफेट की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं और किस तरीके से वर्क करता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा मोसफेट का मतलब क्या होता है। मोसफेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है और जो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो करते हैं एम से। ये दो तरह के होते हैं, एन चैनल मोसफेट और पी चैनल मोसफेट। इनका जो यूज किया जाता है जनरली वो किया जाता है स्विचिंग के रूप में। बट जो 6 पिन या फिर 8 पिन के मोसफेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीडब्ल्यूएम आईसीबी उन्हें बोलते हैं। उनका यूज किया जाता है वोल्टेज को कंट्रोलिंग के लिए। तो मैंने आपको इसके यूज बता दिया, इसका यूज किया जाता है स्विचिंग के लिए ज्यादातर। और ये पीसीबी में मैं आपको जो इस तरह के हैं वो होते हैं ऐसे, ये जो लगा हुआ है इस तरह के मोसफेट ऐसे होते हैं पीसीबी में। और जो इस तरह का लगा हुआ है मोसफेट वो होता है ऐसा, ये शायद आपको दिख नहीं पा रहा हूं, वो होता है ऐसा 3 लैग का, वो से काफी छोटा होता है, वो होता है ऐसा। तो हमें इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डायोड की टेस्टिंग बताई थी, सेम इसकी टेस्टिंग सेम ही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। सबसे पहली बात जो हमें क्या करनी है, हमें दिख रहा है जो हमारा गेट है, ये गेट है हमारा, वो ओपन है ड्रेन से और सोर्स से। वो जो इसमें फील्ड इफेक्ट जनरेट होगा उसकी हेल्प से ये करंट को आउटपुट करेगा सोर्स में और ड्रेन में, ठीक है। वैसे जनरली ये ओपन है, इसमें पी एन चैनल में भी और पी चैनल में भी। तो सबसे पहले तो हमें यही देख लेना है, गेट पे एक प्रोब रखनी है और बाकी दोनों पे, ड्रेन पे और सोर्स पे। तो अगर ये खराब हुआ, सॉर्टिंग दिखा देगा यही, अगर ये खराब हुआ आपस में मतलब ये कनेक्ट हुआ यहाँ से तो ये सॉर्टिंग दिखा देगा यही। अब लेकिन जो हमारी दूसरी बात आती है, इससे हम कंफर्म ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये खराब ही है। अगर गेट पे अगर कोई रीडिंग नहीं दिखाया तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा सही ही है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना, अगर आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हो तो इसमें एक डायोड का यूज किया गया है। जो एन चैनल है उसमें जो अगर हम सोर्स को माने पॉजिटिव और ड्रेन को नेगेटिव माने तो ये डायोड यूज की गई है यहाँ फॉरवर्ड बायस में, ऐसे यहां से करंट फ्लो कर देगी अगर हम सोर्स को पॉजिटिव माने, और अगर ड्रेन को पॉजिटिव माने तो ये हो जाएगी फिर रिवर्स बायस में ऐसे, तो फिर करंट को फ्लो नहीं करेगी। ऐसा ही फिर पी चैनल में है। पी चैनल में क्या है, बस इसमें डायोड का जो एन जो था इसका वो ऊपर की ओर था और जो पी चैनल में है नीचे की ओर है। इस केस में क्या होगा, अगर हम ड्रेन को पॉजिटिव माने और सोर्स को नेगेटिव तो ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो जाएगा आगे, और अगर हम इसे नेगेटिव मानने और ड्रेन को सॉरी इसे नेगेटिव मानने और सोर्स को पॉजिटिव तो फिर हो जाएगा रिवर्स बायस में, तो करंट रिवर्स नहीं होगा। इसकी टेस्टिंग के लिए बस हमें यही बात ध्यान रखनी है डायोड की बायसिंग की। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपके 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ड्रेन और सोर्स, इन दोनों पॉइंट पे एक ही साइड से रीडिंग आनी चाहिए। मतलब अगर दोनों साइड से रीडिंग आ रही है, मान लीजिए अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, पहले करता हूँ मैं सोर्स से और ड्रेन से ऐसे, ठीक है, ये सर्किट यहाँ से बन रही है। अब मैं अगर इसी पे बात करूँ, सोर्स से कनेक्ट किया एक ड्रेन से, ठीक है, तो यहाँ डायोड की टेस्टिंग है एक तरह से ऐसे, फॉरवर्ड बायस में डायोड है
और ये यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा और मल्टीमीटर जो रेजिस्टेंस दिखाएगा वो दिखाएगा 100 से 500 के बीच में, अगर ये डायोड सही हुई, अगर खराब हुई तो बिल्कुल शॉर्टिंग यहाँ दिखा देगा। अब हमें करना है रिवर्स, ऐसे जो ये पॉजिटिव हमने मानना था उसे कर देना है नेगेटिव, और जो नेगेटिव मानना था उसे पॉजिटिव, जैसे कि एस को हमने पॉजिटिव मानना था तो इसे हम कर देते हैं नेगेटिव, और जो डी को हमने मानना था नेगेटिव उसे कर देते हैं हम पॉजिटिव यहाँ ऐसे। तो यहाँ फिर इसमें कोई भी रीडिंग नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें ऐसे करंट फ्लो होगा यहाँ से वो आएगा ऐसे, तो अगर हम ड्रेन को पॉजिटिव मानते हैं इस केस में तो करंट यहाँ से फ्लो होगा ऐसे, यहाँ से आएगा, और उस केस में क्या होगा कि जो डायोड है रिवर्स बायस में होंगे। रिवर्स बायस में जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ये करंट को आगे फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ इसमें कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो बस इसमें आपको थोड़ा सा है ना एन चैनल और पी चैनल का पड़ जाएगा। एन चैनल अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है एन चैनल है या पी चैनल है, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस आपको जो मैंने बताया एक साइड से रीडिंग आनी चाहिए, या तो इस साइड से आ जाए या फिर पोलैरिटी को चेंज करके आ जाए इस तरीके से, और इनके बीच ना रीडिंग आनी चाहिए, गेट के और सोर्स के इन दोनों के बीच में ना रीडिंग आनी चाहिए, ना ही गेट के और सोर्स के इन दोनों के बीच रीडिंग अगर आ रही है तो फिर खराब है, आपका मॉस्फेट खराब है अगर आपकी उसमें रीडिंग आ रही है। तो ये रही हमारी फ्रेंड्स मॉस्फेट की टेस्टिंग। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम रही हो हमें तो सबसे पहले तो क्या करना था, हमें गेट पे एक प्रोब रखनी थी हमें, और दूसरा हमें टेस्ट करके देखना था अदर में, अदर पे कि इसमें रीडिंग मिल लिया है नहीं, सोर्स पे एक हमें कनेक्ट करके देखना था। तो यहाँ अगर कोई रीडिंग नहीं मिली तो उसके बाद हमें क्या करना था, इस डायोड की टेस्टिंग करनी थी। डायोड दो तरीके से हम कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, दो तरह से रीडिंग देगा। अब मान लीजिए अगर ये एन चैनल होगा, जब आप सोर्स को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और ड्रेन को नेगेटिव से, तो यहाँ रीडिंग दिखाएगा है डायोड की टेस्टिंग की तरह 100 से 500 के बीच में, अगर डायोड सही होगी। और अगर ये पी चैनल होगा तो उस केस में यहाँ इसी अगर कन्फिगेशन में रखें तो कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा ऐसे। तो बस इन ड्रेन और सोर्स पे जो रीडिंग आनी चाहिए वो एक ही पोलैरिटी में आनी चाहिए, मतलब दोनों तरफ से नहीं आनी चाहिए, एक ही तरफ से आनी चाहिए, या तो इस साइड से आ जाए या फिर इसी प्रोब को चेंज करके आ जाए ऐसे आ जाए, वो एक साइड से रीडिंग आनी चाहिए, दोनों साइड से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों साइड से रीडिंग आ रही है तो फिर आपका मॉस्फेट खराब है, फिर आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन रहता है, कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। और यहाँ हमारी ये आज की टेस्टिंग सीरीज फिनिश हो जाती है, अब इसके बाद जो भी टेस्टिंग सीरीज स्टार्ट होगी वो एडवांस लेवल की होगी, चिप और आईसीस वगैरह की, उसमें हम टेस्टिंग करेंगे और सीआरओ की हेल्प से हम उसमें टेस्टिंग करेंगे, अब तक जितनी भी हमने टेस्टिंग की वो की मल्टीमीटर से। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप यहाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।